गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ। आज मैं आपको कराने वाली हूँ चैप्टर 9 द सन और उसकी एक्सरसाइज वर्क। स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज में। फर्स्ट ऑफ ऑल वोकैबुलरी देखेंगे। प्रैक्टिस दीज वर्ड्स एंड नो देयर मीनिंग। आपको इन सभी वर्ड्स के मीनिंग लिखने हैं। तो सबसे हमारा फर्स्ट है, देखिए, टॉप्स। तो टॉप्स का मतलब क्या होता है? चोटियाँ। इसका अर्थ आप लिखेंगे अपनी कॉपी में, चोटियाँ। देन पीप्स का हो जाएगा झांकता है। साउंडली का हो जाएगा गहरी नींद में। और बीम्स का हो जाएगा किरणें। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब ये नीचे वाले हैं, इसमें अब इसका आप लिखेंगे बियर। ठीक है, बियर का लिखेंगे सहन करना। रिमेन रहना, वियरी थकी हुई, और बेयर फूटेड का मतलब होगा नंगे पांव। तो ये आपको आठों के आठों वर्ड मीनिंग्स आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपको करने हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो हमारा फर्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट वाज द लिटिल बेबी डूइंग व्हेन द सन रोज। तो जो छोटा बेबी है वो क्या कर रहा है जब सन निकला? तो इसका आंसर आप लिखेंगे, व्हेन द सन रोज द लिटिल बेबी साउंडली स्लीप्स इन इट्स बेड। जब सन निकला तो जो छोटा बेबी है वो अपने बेड पर सो रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन डज द लिटिल बेबी वेक अप फ्रॉम हिज स्वीट ड्रीम्स। जो लिटिल बेबी है वो अपने स्वीट ड्रीम से कब उठा? तो इसका आंसर आप लिखेंगे, द लिटिल बेबी वेक अप व्हेन द सन बीम्स फॉल ऑन हिज फेस थ्रू द विंडो। जब विंडो से जो सन बीम्स हैं, सन की जो किरणें हैं, वो उसके फेस पर पड़ी, तब लिटिल बेबी उठा। तो ये आपका हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का ये वाला आंसर। ये आप सेकंड क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज द लिटिल बेबी डू इन द सन। व्हाट डज द लिटिल बेबी डू इन द सन। लिटिल बेबी ने क्या किया सन में? द लिटिल बेबी विद हिज फ्रेंड्स रिमेन बिजी इन द प्ले बेयर फूटेड आउट इन द सन। तो वो कह रहा है जो लिटिल बेबी है अपने फ्रेंड्स के साथ क्या है, खेलने में बिजी है। कैसे खेल रहा है वो? सन में नंगे पैर खेल रहा है। बेयर फूटेड मतलब नंगे पैर सन की रोशनी में खेल रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन के पास। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हेन डज द लिटिल बेबी फॉल टू स्लीप साइलेंटली। तो जो लिटिल बेबी है वो कब शांति के साथ सो गया? तो व्हेन द सन सेट्स, जब जो सन है वो सेट हो गया मतलब कि छिप गया। देन द लिटिल बेबी फॉल्स टू स्लीप साइलेंटली। तो जो लिटिल बेबी है वो भी शांति के साथ सो गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा, नेक्स्ट है हमारा कंप्लीट द मिसिंग लाइंस। तो आपको इसमें मिसिंग लाइंस बतानी है। तो ये जो है ना हमारी माई लिटिल बेबी विद वियरी आइज, ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है। ये कुछ नहीं है, ये आपको कुछ नहीं भरना। तो ये आप यहाँ पर लिखेंगे माई लिटिल बेबी विद वियरी आइज और उसके बाद फॉल्स साउंड्स असली, ये आपका मिसिंग वर्ड्स है। उसके बाद है डैश, ये डैश में भरना है आपको, ऑन हिज फेस थ्रू द विंडो। उसके बाद लिखना है फॉल द सन बीम्स। उसके बाद नेक्स्ट माई लिटिल बेबी विद हिज फ्रेंड्स, जो माई लिटिल बेबी विद हिज फ्रेंड्स के बाद लिखना है रिमेन्स बिजी इन प्ले। किस में बिजी है? खेलने में बिजी है। ये आपको जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भरने हैं। व्हेन द सन इन द वेस्ट, जब सन वेस्ट में है तो क्या होगा? गोज डाउन डीप, क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये जो मैंने आपको बताए ये सब आपके फिल इन द ब्लैंक्स में आएंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में है वर्ड पावर और इसमें पूछा गया है राइट डाउन द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं जिनकी जो उनकी साउंड है वो बिल्कुल सेम होती है। जैसे पीप्स, तो पीप्स का सेम होगा स्लीप्स। बीम्स का सेम होगा ड्रीम्स। क्ले, इसका हो जाएगा प्ले, और इसका हो जाएगा डीप, इसका हो जाएगा असलिप। ठीक है, तो ये आपको सेम राइमिंग वर्ड वाले वर्ड लिखने हैं, इसमें से आपको देख के लिख देना है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया है, 3 भी हो गया है, ये अब ये वाला होगा 4 होगा। राइट द फ्रेजेस विद द हेल्प ऑफ द टेबल ए एंड बी। आपको क्या करना है? टेबल्स इनको मैच करना है। तो सबसे पहले है हमारा माउंटेन। तो माउंटेन को किससे मैच करेंगे? तो माउंटेन कैसा होता है? टॉप, मतलब ऊंचा होता है। तो माउंटेन्स टॉप्स, ये आपको इसमें भरना है। नेक्स्ट है सन। सन की क्या है? बीम्स।
तो इसमें लिख देना है सेकंड वाले में सन बीम्स। स्वीट, स्वीट कैसे होते हैं, मीठे सपने, स्वीट ड्रीम्स। और बेयर, नंगे पैर, फूटेड, तो इसका हो जाएगा बेयर को फूटेड से मैच कर देंगे। और इनको आप यहाँ पर फ्रेज बनाकर लिखना भी है। तो क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट, माउंटेन टॉप्स, सन बीम्स, स्वीट ड्रीम्स, बेयर फूटेड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, रीअरेंज द लेटर टू मेक अ कंप्लीट वर्ड। क्या करना है हमें, लेटर को रीअरेंज करना है। तो इसमें क्या करना है, ओ डब्ल्यू आर सी, इसको हमें सही करके लिखना है क्रो। तो ये हो जाएगा हमारा क्रो, ये है, ये हो जाएगा हमारा डियर, ये एलिफेंट, ये टाइगर, ये स्पैरो और ये हॉर्स। तो ये आप अभी अपने इसमें फिफ्थ क्वेश्चन में ये सारे वर्ड जो जंबल वर्ड्स हैं सही करके लिख दीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा अच्छे से। मैंने ये एक्सरसाइज और जो क्वेश्चन आंसर कराए हैं ये सभी आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अगर कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।